अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इसके लिए एक्सपर्ट सुझाव भी पेश कर रहे हैं और वित्त मंत्री से आग्रह भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक मोहंती ने आग्रह किया है कि एम्प्लॉयज नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी का 12% तक का जो योगदान करते हैं उसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। दीपक मोहंती के मुताबिक एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में 12% तक के कॉन्ट्रीब्यूशन पर टैक्स बेनिफिट्स मिलता है और अब वह इसी के बराबर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर्स को टैक्स बेनिफिट्स देने की मांग कर रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो अभी एनपीएस के तहत बेसिक और डीए मिलाकर सैलरी का 10% ही एग्जम्प्ट यानी टैक्स के दायरे से बाहर है, जिसे पेंशन नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन ने पीएफ खाते के एग्जम्प्ट लिमिट यानी 12% तक करने की मांग की है। हालांकि लक्ष्य तो इसे 14% तक ले जाने का है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मामले में 14% तक प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। किस सेक्शन के तहत कितनी मिलती है टैक्स में राहत? नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज के एनपीएस खाते में बेसिक सैलरी और डीए के 10% तक की कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स या कॉर्पोरेट्स टैक्स एग्जेम्पशन का दावा कर सकते हैं। सरकारी एम्प्लॉयज के मामले में यह 14% है। इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 36(1)(4)(a) के तहत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे बिजनेस एक्सपेंसेज के तौर पर घटा दिया जाता है। एम्प्लॉयज भी अपने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD2 के तहत अपने वेतन के 10% तक के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह फायदा पुराने के साथ साथ नए टैक्स रिजीम में भी मिलता है। कुल मिलाकर सभी रिटायरमेंट स्कीमों में मिलाकर एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर सालाना अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट हासिल किया जा सकता है। यह धारा 80CCD1 के तहत स्वयं के एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर वेतन के 10% तक 1.5 लाख रुपए की कुल 80C सीमा के अधीन और धारा 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती के साथ है। तेजी से बढ़ रहे एनपीएस के सब्सक्राइबर्स। वित्त वर्ष 2023-24 में पीएफआरडीए ने कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स को मिलाकर 13 लाख सब्सक्राइबर्स को एनरोल करने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष अब तक एनपीएस इकोसिस्टम में 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। हालांकि नियामक को अभी भी इस वित्त वर्ष के आखिरी 3 महीनों यानी जनवरी से मार्च पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। इन 3 महीनों में ऐसे ढेर सारे लोग जुड़ते हैं जो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मोहंती के मुताबिक सभी सब्सक्राइबर्स की कैटेगरीज मिलाकर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ रुपए के लेवल को छू चुका है। वही ओवरऑल पूरा एनपीएस सब्सक्राइबर बेस दिसंबर 2022 में 6.06 करोड़ से 16% उछलकर दिसंबर 2023 में 7.03 करोड़ पर पहुंच गया। इसमें सरकारी एम्प्लॉयज और अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर के आंकड़े भी शामिल हैं। शेयरों से ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में लगा है पैसा। 11 लाख करोड़ रुपए का जो फंड पीएफआरडीए मैनेज कर रही है उसमें शेयरों की हिस्सेदारी महज 17% है। मोहंती के मुताबिक इसमें AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज का दबदबा अधिक है। रीट्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अल्टरनेटिव फंड्स को भी मंजूरी मिली हुई है, लेकिन अभी भी इनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। 30 दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक सभी सब्सक्राइबर्स कैटेगरीज में टोटल AUM करीब 28% उछलकर 10.91 लाख करोड़ रुपए के लेवल को पार कर गया।